Hello and Assalamu Alaikum. Really nice to see all of you. This is my first time in KP जब मैं किसी यूनिवर्सिटी जाके डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ स्टूडेंट से. और बहुत से लोग कहा करते थे कि आएँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी किसी यूनिवर्सिटी में. सो थैंकफुली इट स्टार्टेड फ्रॉम आई एम साइंसेज एंड रियली गुड टू सी द एंथुसियाज्म. तो कोशिश यही होगी कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम दिया जाए. मेरी तो आप 3-3 घंटे की रैंट सुनते रहते हैं इससे पहले भी पॉडकास्ट और ये सब कुछ में, तो उसमें तो शायद इतनी कोई नॉवल्टी ना हो. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू लिसन टू व्हाट यू हैव टू से टू मी. तो इसीलिए आपको ज़्यादा टाइम देंगे और कोशिश करेंगे इसको प्रिसाइज रखें. अच्छा, ये वो डिस्कशन है जो पहले मैं, अगर आपने किसी ने देखी है तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में कर चुका हूँ लाहौर के अंदर. बट स्टिल इट वॉज पुट अप बाय द मैनेजमेंट के आई शुड स्पीक ऑन दिस, सो आई सेड यस इट्स फाइन टू मी. तो आइडेंटिटी क्राइसिस का जो इशू है आज, इस पर डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर आए हैं. और इसमें वाइटैलिटी पहले तो इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू सेल्फ एक्चुअलाइज एंड सी कि एज अ नेशन वेयर डू वी स्टैंड, और हमारी जो कोहिजन है या जो बाइंडिंग ग्लू है वो क्या है बेसिकली. नाउ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंस सबसे पहले ये होती है कि जब एक जगह के ऊपर मुख्तलिफ ट्राइब्स आकर बैठते हैं या मुख्तलिफ फैक्शंस आकर बैठते हैं जो मुख्तलिफ शनाख्त रखते हैं, या ज़ुबान और होती है, कल्चर और होता है, तो नेचुरली दे इवॉल्व एंड असिमिलेट इनटू अ नेशन बाय द पैसेज ऑफ टाइम. तो तारीख यही कहती है कि अगर जर्मनी को आप पढ़ें या फ्रांस को पढ़ें या इटली को पढ़ें या यूरोप के दीगर ममालिक को, तो वहाँ पर जो भी नेशंस बनी हैं वो शुरू से कॉमें नहीं थी इस तरह की. आप सबको मालूम होगा ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 का जो 30 ईयर्स वॉर हुई यूरोप के अंदर, उसके बाद नेशन स्टेट्स का क्याम अमल में आया, बाउंड्रीज सामने आई जो उससे पहले उस तरह से नहीं थी. डार्क एजेस चली 300 सालों तक और उसमें मैसेकर भी हुए, वो सब कुछ देखा लोगों ने. तो आहिस्ता आहिस्ता दे इवॉल्व्ड इनटू दीज नेशन स्टेट्स. और पाकिस्तान के अंदर आज भी ये चैलेंज दरपेश रहता है हमें. पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी चीज़ से कोई अनकंफर्टेबल फील करता है या उसको लगता है कि ये कोई ऐसा नैरेटिव है या ऐसी बात है जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रही है, सो दैट इज़ अ टेस्ट ऑफ ट्रूथ बेसिकली. जो सच होता है ना वो हमेशा अनकंफर्टेबल करता है लोगों को. जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे का दिल लुभाता है या उसको खुश कर देता है, दैट इज़ बेसिकली अ स्टोरी विद टोटल सुपरफिशियलिटी. तो इसीलिए अगर कोई ऑफेंड होता है सो दे कैन लिसन टू मी एंड देन गिव मी देयर रिस्पॉन्स अबाउट इट. सो बेसिकली सबसे पहले इम्पॉर्टेंस ये होती है हिस्टोरिकल क्लैरिटी की, कि उससे आपकी डायरेक्शन और समथ जो है वो क्लियर होती है कि मैं यहाँ से आया हूँ और मैंने यहाँ पर जाना है. बिकॉज एक नेशनल ट्रेजेक्ट्री भी होती है, जिस तरह से फ्रेडरिक हीगल को अगर किसी ने पढ़ा हो यहाँ पे तो वो बात करता है कि हिस्ट्री की जो टीलियोलॉजी है उसकी, जो उसका हैंड ऑफ हिस्ट्री है, तो वो ग्रेजुअली ये जो नेशंस हैं ये असिमिलेट करती हैं और ग्रेजुअली दे ब्रिंग टुगेदर द एंटायर फोर्सेस इन अ सोसाइटी. तो हमारे यहाँ पर माशरे में ये हुआ कि कन्फ्यूजन जो हम देख रहे हैं वो इतनी ज़्यादा है कि हर 10 साल बाद एक नया नज़रिया, एक नया बयानिया सामने आता है और कहा जाता है कि नहीं आप ये नहीं, आप ये थे एक्चुअली. तो टॉप डाउन अप्रोच है आइडेंटिटी की, हालांकि अप्रोच क्या होनी चाहिए थी, बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए थी. ये आवाम फैसला करते, ये लोग फैसला करते कि हमारी शनाख्त क्या है और हम किस तरह रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हो जाना था. अब 1776 में अमेरिका एमेंसिपेट होता है और 1865 में वो सिविल वॉर लड़ते हैं, अब्राहम लिंकन का जो नाम सुना होगा आपने. सो उसके बाद जाके अमेरिकन रिपब्लिक थोड़ी स्ट्रेंथन दिखाई देती है आपको. उससे पहले फॉल्ट लाइन्स 90 साल तक वहाँ पर थी, यहाँ भी हो सकती थी. बट मसला ये हुआ कि जो टॉप डाउन अप्रोच है आइडेंटिटी की, उसने एक शनाख्त जो है वो आवाम पे इन्फोर्स करना शुरू की और बताना शुरू किया कि असल में हम बताएंगे कि आपकी शनाख्त क्या होनी चाहिए या आपकी तारीख क्या है. तो वो बियॉन्ड गुड एंड ईवल जो बुक है नीचे की, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोट है और वो उसमें ये कहता है कि सम नेशंस, वो यूरोप की मिसाल देता है और वो कहता है कि दे ट्रीट हिस्ट्री एज अ कॉस्ट्यूम स्टोर, कि तारीख को वो कॉस्ट्यूम्स का एक स्टोर समझते हैं और हर 10 साल बाद या हर कुछ अरसे बाद एक कॉस्ट्यूम निकाल के पहनते हैं. वो उनको पूरा नहीं आता, वो उखाड़ के फेंक देते हैं फिर नया पहन लेते हैं. सो पाकिस्तान हिस्ट्री इज़ अ कॉस्ट्यूम स्टोर एक्चुअली, कि हमें 50s में पाकिस्तानी कुछ और मिला, 60s में और मिला, 80s में और मिला और 2010 के बाद कुछ और मिला. वो इसीलिए कि हम इस कॉस्ट्यूम स्टोर से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपने फ़वाद के मुताबिक हर 10 साल बाद नया कॉस्ट्यूम निकालते हैं. वो आप सबको पहनाया जाता है, आपको फिट आए या ना आए कहा जाता है अब तुमने यही पहनना है कल से, और इसके अलावा तुम्हारी कोई चॉइस नहीं हो सकती. तो उससे नुकसान क्या होता है कि जो लोग फ्रिंजेस पर मौजूद होते हैं, जैसे मैं खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हुआ हूँ और इनका जो व्यू पॉइंट है पाकिस्तान को देखने का, दैट कुड बी डिफरेंट. पर्सपेक्टिविज्म का जो नज़रिया है वो क्या है कि हर किसी का ट्रूथ को देखने का पर्सपेक्टिव और है. आप वहाँ बैठ कर मुझे देख रहे हैं तो आपको मैं मुख्तलिफ नज़र आऊँगा, अगर कोई मेरे साइड पर बैठा होगा उसको मुख्तलिफ दिखाई देगा. तो ये सब्जेक्टिव रियलिटी की एक बात है.
جو کہ کسی نے سمجھ ہی نہیں 70 سال سے یہاں پہ. اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس سے یہ فالٹ لائنز مزید بڑھتی ہیں. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ بڑے شہروں میں لاہور اگر کوئی آتا ہے, کوئی پشتون نوجوان ہے, کوئی بلوچ نوجوان ہے, یا کوئی گلگت سے آیا ہے, سندھ سے آیا ہے, تو وہ یونینائز کیوں کرتا ہے؟ بیکاز دے فیل انسیکیور آف دیئر آئیڈینٹی. اگر ان کو معلوم ہے کہ میری شناخت یہاں پہ انڈر اٹیک نہیں ہے تو پھر وہ کسی یونین کا پارٹ بننا پسند نہیں کریں گے. دے ول لیو ایز فری انڈیویجولس, بٹ وائی ڈو دے انٹیگریٹ دیم سیلز ان ٹو دیز گروپس؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آئیڈینٹی چیلنج ہو جاتی ہے ان جگہوں پہ جا کے. دے آر اٹیکڈ فرام دی آؤٹ سائڈ. اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی جو شناخت یا آپ کا پرسپیکٹیو ہے اس کو بھول جائیں اور صرف پاکستانی بن جائیں. لیکن ایتھنیسٹی اور ریلیجن بھی اس میں آتا ہے اور بہت سی چیزیں آتی ہیں. تو آئیڈینٹی پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی سنگولیرٹی نہیں ہوتی, اس میں کوئی ایک چیز نہیں آتی جو صرف آپ کی پوری شناخت کو انکمپس کر لے, بیکاز اٹس اے ملٹائی لیئرڈ کانسیپٹ جس میں مذہب بھی آ سکتا ہے, زبان بھی آ سکتی ہے, تاریخ بھی آ سکتا ہے, کلچر بھی آ سکتا ہے, ویلیوز بھی آ سکتی ہیں. یہ سب مل کے ایک آئیڈینٹی کو تشکیل دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ صرف بتایا جاتا ہے کہ ایک بنیاد کے اوپر اپنی شناخت قائم کرو اور ایتھنیسٹی کو بھول جاؤ جس کی 4 سے 5 ہزار سال کی تاریخ ہوتی ہے. تو اس سے جو ہمیں اس ملک میں فالٹ لائنز ڈیولپ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, بیسیکلی وہ آئیڈینٹی کا ہی کرائسس ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے. اور اس میں اگر ہم دیکھیں بہت سے ممالک کے اندر یہ ایگزسٹ کرتی ہیں, باہر بھی, لیکن پاکستان کے اندر یہ زیادہ اسٹارک اس لیے دکھائی دیتی ہیں کہ انفورسڈ, وہی بات کہ ڈائلیکٹ انفورسڈ ہے. اب سب سے پہلے اگر ہم ڈھاکہ کی بات کریں, بنگلہ دیش کی بات کریں, جو آج بن چکا ہے, اب تبھی پاکستان تھا, تو جو مسلم موومنٹ تھی ساری فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ, وہ وہاں پر شروع ہوتی ہے. ایون فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ جو سب سے زیادہ لیڈنگ رول جو سیاستدان پلے کر رہا تھا وہ شیخ مجیب تھا, اور فاطمہ جناح صاحبہ کو غدار کہہ رہے تھے اس وقت سب لوگ. تو اس وقت بھی وہاں پر 1947-48 میں ہم نے ان کو باور کرانا شروع کر دیا کہ آپ کی جو زبان ہے نا, دیٹ از ناٹ سینٹرل, یو کین پٹ دیٹ اسائڈ, بی اے پاکستانی. اور اس سے یہ ہوا کہ پہلے دن سے گریونس بڑھنا شروع ہو گئے. اس گریونس کا رزلٹ کیا آیا کہ وہ بڑھتے بڑھتے 20 سال تک, بعد میں ایوب خان صاحب کی رجیم آتی ہے تو اس کے اندر بھی ایبڈو قوانین لاگو ہوتے ہیں جس میں سیاست میں پارٹ لینے کو بین کر دیا, جس میں ان لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا. تو لاسٹ پوائنٹ تک, ایون 70s تک آپ تقاریر دیکھ لیجئے شیخ مجیب صاحب کی اٹھا کے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے 6 نقاب جو ہیں یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے, یہ بدل بھی سکتے ہیں, بٹ نو بڑی واز ریڈی ٹو ٹاک ٹو ہم. اس کی وجہ یہ ہے کہ سروائیول آف اسٹیٹ جو ہے وہ کسی کو اتنا مقدم نہیں تھا, اور صرف یہ تھا کہ ہم نے جو کہہ دیا وہ ہونا چاہیے بیسکلی. تو اس کے بعد سے جو اٹراسٹی ہوئی, جس میں ایک میجورٹی نے پہلی بار شاید تاریخ میں ایک مائنورٹی سے سپریشن حاصل کی, جو کہ بڑا ریئر ایونٹ ہے, 51% نے کہا کہ ہماری جان چھوڑیے. اس کی وجہ کیا تھی؟ بیکاز یو پش دین ٹو دا فرنجز, آپ نے ان کو جو ہے وہ مین اسٹریم نہیں کیا, اور ان کو اپنی شناخت جو تھی وہ پاکستان کی پوری اسٹیٹ کرافٹ کے اندر دکھائی نہیں دے رہی تھی. انفارچونیٹلی اس سے کوئی لیسن لرن نہیں ہوا. آگے جا کر بھی وہی پرسسٹنٹ پالیسی رہی, اور اس کے بعد بھی ایک جو ہے وہ اسلام آباد سے یا پھر لاہور سے بنایا ہوا جو نظریہ ہے وہی پریویل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے ہمیں. تو چلتے چلتے مختلف جو فارن پالیسی گولز تھے ان کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے لوکلی بھی یہاں پہ آئیڈیولوجیکلی انجینئر کرنا شروع کیا مائنڈ کو. اور محمد بن سلمان صاحب کا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ سوویت رشیا افغانستان میں آ گیا تھا, اور ان کو ہرانے کے لیے, کیونکہ وہ فار لیفٹ ہے تو ہمیں فار رائٹ چاہیے تھی, سو وی انکارنیٹڈ اندر فار رائٹ. پاکستان جیسے ممالک میں ہم نے انویسٹ کیا, سیمینارز کے اندر ہم نے اپنی جو پیٹرو ڈالر ہے وہ انجیکٹ کیا, اور اس کے بعد ہم نے ایک مائنڈ بنایا جو ریڈیکلائزڈ مائنڈ تھا, اور وہ بنایا اس لیے کہ ایک امریکن فارن پالیسی گول کو پورا کرنا تھا. اور اس کے لیے ایندھن کون بنائے؟ اس خطے کے لوگ بنے سب سے زیادہ وہاں کرنی, جہاں سے میں آیا ہوں وہاں کے لوگوں نے اس کے لیے اتنی پرائز پے نہیں کی جتنی یہاں کے لوگوں نے, آپ لوگوں نے کی, آپ کے رشتہ داروں نے یا آپ کے بڑوں نے کی. جو آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ اس وار کے اندر بہت سے لوگ ایندھن بنے ہیں, خاندان کے خاندان اجڑے ہیں, اس کے علاوہ بہت لوگوں نے اپنی مال مویشی ہر چیز کھو دیا, اور ابھی تک اس چیز سے لڑ رہے ہیں. ریفیوجی کرائسس ہے, او پی ایم یہاں پر آئی, کلیشنکوف کا کلچر مین اسٹریم ہوا, وہ سب ہم نے 80s کے اندر دیکھا ایک فارن پالیسی گول کو پورا کرنے کے لیے جو ہمارا تھا بھی نہیں. اب اس پہ آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ وہاں پر ان کو ڈیفیٹ نہ کرتے تو وہ یہاں آ کے ہمیں کھا جاتے یا ختم کر دیتے. تو بہت سے اور بھی مثالیں ہیں ہمارے سامنے. نان الائن موومنٹ کی جو تحریک تھی جس میں ہندوستان, برازیل بھی تھا, یوگوسلاویہ بھی تھا, تو یوگوسلاویہ واز انسرکلڈ فرام آل سائڈس, یو ایس ایس آر چاروں طرف بیٹھی ہوئی تھی, پھر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکی اس کا, کیونکہ الائنسز کا دور تھا وہ. سو یو ہیڈ ٹو میڈ ان الائنس ود دا پارٹیز جو کہ نان پارٹیزین تھیں. لیکن آپ نے تو 50s سے ہی سیٹو سینٹو سائن کرنے کا آغاز کیا, بغداد پیکٹ سائن کر دیا, اور اس میں امریکہ کو یہ بتایا کہ ہم اصل میں جتنا بھی مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں ان کے رکھوالے ہیں, ہم ان کو بچائیں گے, اس لیے آپ ہمیں پیسے دیجیے.
और वही हुआ कि वहाँ पर एक काम लेने के लिए एक रेंटियर स्टेट बन गई, उसका मॉडल दे दिया उन्होंने उसको, और वो वहाँ पर इस्तेमाल हुई और ख़त्म हो गई और चले गए वहाँ से। लेकिन इस दिमाग का क्या करना है जो पैदा करके गए, क्योंकि अगर इंसान डिफ़ीट हो जाता है उसका आइडिया तो डिफ़ीट नहीं होता। एक ज़हनी तश्कील जो दी जाती है उसको 30-40 साल 50 साल भी लग सकते हैं रिवर्स करने के लिए। आज तक यूरोप में जो नियो नाजी मूवमेंट्स हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है वहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट्स के लिए, ममालिक के लिए, कि इसको कैसे रिवर्स करना है, बिकॉज दे कुड गिव राइज टू अनदर नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी ऑफ हिटलर जो कि 1930s में वहाँ से उठी थी। तो उस नज़रिए को दबाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली करारदादे मकासद होती है 48 में, उसके बाद से जो है वो आपको एक कन्फ्यूजन दिखाई देती है मैस लेवल के ऊपर। सबसे पहले तो पार्टीशन का जो विज़न था उसको क्लियर नहीं करके दिया किसी ने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो आया नहीं। पहले 1973 तक आप लगा लीजिए तकरीबन 26 साल बनते हैं, 26 साल तक कोई ऐसा एक आइन नहीं आया जिस पे कंसेंसस पैदा हो जाए, जिस पे आवाम कहें कि हाँ इसमें हमारी बात है, जिस पे तमाम सियासी पार्टियां कहें ये ठीक है। क्योंकि उससे पहले मार्शल लॉज की रजीम आ गई, 47 से लेके 58 तक 8 वज़ीर आज़म आ गए, आने दो चाहिए थे, दो दो महीने के लिए वज़ीर आज़म आया करता था, क्लर्क से छोटी नौकरी थी वज़ीर आज़म की, क्योंकि शुरू से वो प्रिंसिपल सेट नहीं हुआ ना। एक नॉन इलेक्टेड अहदा जो गवर्नर जनरल का था उसमें ज़्यादा ताकत रही, और वज़ीर आज़म का जो अहदा था उसमें ताकत कम रही। तो इसीलिए आज तक आप देखते हैं कि वज़ीर आज़म कोई और है और ताकत कहीं और रहती है, क्योंकि शुरू से वो चलता आ रहा है एक मैनर। हिंदुस्तान के अंदर इससे कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ हुई कि वहाँ पर नेहरू साहब ने वज़ीर आज़म बन के उस मनसब को स्ट्रेंथन किया और बाद में वो कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी दिखाई देती है, और दूसरा सेकुलर प्रिंसिपल जिसने वहाँ पर ये सेट किया कि हाँ अगर किसी की कोई एथनिसिटी है उस पर यकीन करते हैं करें, कोई बिलीफ है उस पर यकीन करते हैं करें, कोई ज़ुबान है वो बोलना चाहते हैं आप बोलें। आज मोदी के हिंदुस्तान में वो रिवर्स हो रहा है और हम सारे तब ये बात करते हैं कि कितना बुरा हो रहा है और वहाँ पर कितनी मजालिम ठाए जा रहे हैं, वहाँ तबाही आ रही है, बेशक इकॉनमी ग्रो कर रही है। इसीलिए कि एक स्टेट बैठ के पुलिस कर रही है कि आपका ये नज़रिया होनी चाहिए, आपका ये ज़ुबान होनी चाहिए। तो उसमें हम ये देखते हैं कि 11 अगस्त की तकरीर भी खड़ी हुई है एक तरफ, जिसमें कहा जा रहा है कि यू कैन गो टू योर मॉस्क एंड योर टेम्पल, स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विद इट, और एक तरफ दूसरी मिसालें भी हैं जो स्टेट बैंक से खिताब किया कि मगरब का मौशी निज़ाम फ्लॉप हो चुका है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ तक बात है उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं, क्योंकि आयन तो बन नहीं सका। कंस्टिट्यूएंट असेंबली को गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने डिसॉल्व कर दिया आके, और बाद में जस्टिस मुनीर का वो फैसला जिसको नज़रिया ज़रूरत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, उससे ये कहा कि गवर्नर जनरल जो है वो सुपर सीड करता है, वो सुपीरियर है असेंबली से, जिसने एक ऐसा आइनी प्रिंसिपल सेट किया कि आज तक समझ नहीं आ रही कि पार्लियामान सुपीरियर है या कोई और सुपीरियर है या सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है। इसीलिए नहीं आ रही कि शुरू से तसलसल ये चल रहा है कि जिसके पास ताकत है हर चीज़ उसी की है, माइट इज़ राइट वाली बात। तो वो चलते चलते एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का ना होना, फिर विज़न शुरू से ना आना अनफॉर्चुनेटली कि इस रियासत को बनना किस तरह का है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि कोई किताब भी हमें नहीं मिलती फाउंडिंग फादर्स की इस तरह की जिसमें एक विज़न क्लियर नज़र आ रहा हो। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इन 1948 जो कि बहुत अर्ली था उस टाइम पर, कि वो स्ट्रेंथन करते अपनी आइडियोलॉजी को या बताते कि क्लैरिटी क्या है। आगे चलते हुए अयूब साहब ने थोड़ी सेकुलर रजीम बनाने की कोशिश की, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस ले आए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन था उनका उसके अंदर भी पहले रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा गया था, उसके बाद उन्होंने एक अमेंडमेंट करके उसमें इस्लामिक रिपब्लिक का वर्ड ऐड किया, और वो चलते चलते फिर आगे बढ़ा। तो उससे कन्फ्यूजन आपको कंसिस्टेंट दिखाई दे रही है कि असल में नज़रियाती हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या है। और उससे आगे बढ़ जाइए 70s के अंदर सोशलिज़म, भुट्टो साहब आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये इस्लामिक सोशलिज़म हम यहाँ पर राइज करेंगे। अब वो भी एक नया कॉन्सेप्ट था जो उनके साथी थे, उन्होंने ही कहा कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है आपस में, क्योंकि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर जो है वो दूसरी रिलीजियस आइडियोलॉजी की स्पेस नहीं होती, लेकिन उन्होंने उसको सिमुलेट किया और वो बना दिया उसको कुछ करके। और लेजिस्लेशन हमने देखी इस तरह की कि भुट्टो साहब के अपने नज़रियात के मुखालिफ लेजिस्लेशन की उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि अगर मैं राइट विंग को अपीज़ नहीं करूँगा मैं चल नहीं सकता यहाँ पर। तो उसमें आप जुमे की छुट्टी भी देखते हैं, भुट्टो साहब ने बड़ा मशहूर जलसा बाटी गेट में लाहौर पे हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं शराब पीता हूँ, आवाम का खून नहीं पीता, और बाद में वही शराब उन्होंने बैन कर दी। तो इसीलिए कि उनको मालूम था कि अगर यहाँ पे सियासत करनी है तो कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी को अपील करना पड़ेगा, तो वो किया। और वो एक डिफरेंट स्टेट क्राफ्ट था, नेशनलाइजेशन का दौर शुरू हो गया, इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज़ किया गया। और आपके यहाँ पे लेफ़्ट के सियासतदान, ANP की अगर हम बात करें, नेशनल अवामी पार्टी थी इससे पहले, उसको तोड़ा, उसको बैन किया, KP असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, और वो एक अथॉरिटेरियन उनमें भी टच दिखाई दे रहा था आपको। वो गुजरता है तो ज़िया साहब आ जाते हैं और वो बताते हैं कि हम इससे पहले रशियन थे, आज से हम अरब हैं।
और वो कहते हैं कि आज से मैं और आप जो है वो अपने आप को हमें मिडल ईस्टर्न कंसीडर करना है, पाकिस्तानियत कुछ नहीं होती। तो फिर उन्होंने कहा कि एथनिसिटीज़ को अंडरमाइन करो और नेशनल आइडेंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ फेथ उसको स्ट्रेंथन करो। तो उसमें हमें पहली बार बहुत ज़्यादा ये नाम सुनने को मिला जिसको मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं, जो कि 7th century में पहला पाकिस्तानी आया था ना, तब आई डी कार्ड बना था उसका। तो उसका जो जिक्र ज़्यादा है वो हम तब सुनना शुरू करते हैं, उससे पहले भी था लेकिन बहुत कम था, स्टेट ने मेन स्ट्रीम नहीं किया था उसको। तो उससे ये आइडिया मिलता है कि अब ये फैसला कर लिया गया है कि एथनिसिटीज़ जो है उनको डिस्करेज करना है, लोकल कल्चर्स को डिस्करेज करना है। अगर एक पश्तून है उसका कल्चर क्या है ये सेकेंडरी चीज़ है, पहले पाकिस्तानी बनो और वो भी वो बनो जो हम कह रहे हैं वो वाले, आगे चलें। और इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर आप देख लीजिए और जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी यही जो है वो रवैया बरता गया। तो उससे ये हुआ कि जितनी भी एथनिसिटीज़ थी जो फ्रिंजेस पे बैठी हुई थी वो इनसिक्योर हो गई, और उसमें एक सेक्टेरियन वॉरफेयर भी सामने आती है। और आज तक जो एक पीस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो यहाँ पर नहीं लिए जाते, इसीलिए क्योंकि तब से ये चला आ रहा है कि आइडेंटिटी ऊपर से आएगी। वो फुको जो कहता है कि पावर जो है वो डिफ़ाइन करती है कि सच क्या है, तो हमारे यहाँ भी पावर ने डिफ़ाइन किया कि आपका ट्रूथ ये है, आपने इसको मानना है। और उससे भी कन्फ्यूजन आप देख लीजिए कि वो जब ज़िया साहब जाते हैं 90s के अंदर, तो खैर व्हील चेयर जो है ना उस पर बैठ के जो पॉलिटिशियन आए थे वो म्यूज़िकल चेयर खेलना शुरू हो गए आपस में। दो दो साल के लिए वज़ीर आज़म आ रहा है, बेनज़ीर साहब आती हैं, नवाज़ शरीफ साहब आते हैं, फिर बेनज़ीर साहब, फिर नवाज़ शरीफ साहब, और उसके बाद आके मुशरफ साहब आ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, पहले आप सोशलिस्ट थे ठीक है, उसके बाद आप सऊदी बने मिडल ईस्टर्न, आज से आप सेकुलर हैं। और इनलाइटन मॉडरेशन का दौर शुरू हो गया, और फिर इनलाइटन मॉडरेशन में उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हम सेकुलराइज़ करें पाकिस्तान को, थोड़ा लिबरल टच दें उसको, लेकिन वो भी ऐसा दिया कि यहाँ पे मुतहदा मजलिस अमल बना दी। तारीख में कभी इतना वोट नहीं पड़ा राइट विंग को जो यहाँ पर पड़ा मुशरफ साहब के अंडर। और पंजाब में लोग कहते हैं सेकुलर आदमी था वो, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि आपने मुशरफ साहब को किस लेंस से देखा है, उन्होंने किस लेंस से देखा है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि ये सब्जेक्टिव जो पर्सपेक्टिव होता है ये इतना डिफरेंस है दोनों में कि वहाँ बैठ कर तायुन होता है कि ये आदमी ठीक है या बुरा है। बेशक वो कोई सियासी लीडर हो, उसकी किस्मत का फ़ैसला जो है वो वहीं से होता है, सेंटर से, कि हाँ यार ये इंसान हमें चाहिए तो ये ठीक है, हाँ वो केपी के लोगों के लिए कुछ और है तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 65% जो वन यूनिट मैंटेलिटी है वो तो पंजाब है। अभी सारा इलेक्शन का जो मसला चल रहा है जिसमें आप लोग भी काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे, वो क्या है सारी गेम, लाहौर की गेम है सारी। एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड टू नो कि लाहौर के तख्त पे कौन बैठता है, क्योंकि जिसने लाहौर ले लिया उसने पंजाब ले लिया, और 65% पाकिस्तान इस पंजाब, वो डिवीजन ही ऐसी है कि उसमें इतनी डिस्पैरिटी है कि जो वहाँ से जीत गया रूल उसी का होगा। तो इसीलिए उसमें भी आपको अपना वो शेयर दिखाई नहीं देता जो होना चाहिए, और उसमें भी मार्जिनलाइजेशन दिखाई देती है। अच्छा, उसके बाद में आगे चलते हैं तो फिर इमरान खान साहब आ जाते हैं और वो आगे कहते हैं कि पहले आप सेकुलर थे, पहले आप लिबरल भी थे, पहले आप मार्क्सिस्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे, पहले आप अरब भी थे, अब से आप टर्क हैं। तो वो कहते हैं कि दरअसल हमसे गलती हुई 60-70 साल, असल में जो वो तुर्की है ना वो असल में पाकिस्तानी है, हम लोग हमने वैसा बनना है। और वो फिर आपको अर्तुगरुल भी दिखाते हैं इंपोर्ट करके, ठीक है, बच्चे छोटे छोटे गलियों में तलवारें लेके फिर रहे हैं कि हमने फतह करना है सारा कुछ यहाँ पे, कि वो फॉरवर्ड लुकिंग आइडियोलॉजी है ना उसका, उस ड्रामे पहले दिन से इनसिक्योर कर देंगे उन लोगों को जो अपनी तारीख पढ़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो फिर रिएक्ट करेंगे, वो मज़ीद यूनियनाइज होंगे, वो मज़ीद डिफेंसिव पे चले जाएंगे, और उसके लिए वो मज़ामत भी करेंगे और साथ साथ उनका स्टेट को देखने का नज़रिया मुख्तलिफ हो जाएगा। और दूसरा ये कि हमने 70 साल की तारीख तो क्रिएट कर ली लेकिन 5000 साल को भूल गए और कहा कि 5000 साल को छोड़ दो घर में, 70 साल पहले जो हुआ है ना वो असल में तुम हो। अब उसमें जो पंजाबी है जिसकी एक पंजाब के साथ तहजीब मिलती है, जो हिंदुस्तान का पंजाब है, वो कैसे इतनी पुरानी तारीख को एकदम से अनलर्न कर सकता है, या एक पश्तून है जिसकी 5000 साल की तारीख है, या एक बलोच है उसकी इतनी लंबी तारीख है, उसे अगर बताया जाए कि 47 के बाद जो हुआ है उसको अपनी शनाख्त बना लो तो मज़ामत दरकार होगी फिर उसके बाद। और इसीलिए स्टेट को भी चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ता है। तो अगर ये पुलिसिंग ना होती तो सलूशन ये था नंबर वन। और नंबर टू, मैंने पहले भी मिसाल दी, वो इंडस सैगा किताब है एतजाज अहसन साहब की, जो बैरिस्टर भी हैं, तो उसमें बड़ा ज़बरदस्त थीसिस था उनका कि असल में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो इस खित्ते का जो बासी था, 5000-7000 साल पुरानी जो तहरीक थी वो सिर्फ इंडस का सिटीज़न है, सिर्फ वो पश्तून है या वो पंजाबी है, वो सब चीज़ें बाद में आती हैं।
तो हिंदुस्तान से अगर पार्टीशन हो भी गई है तो वो एतज़ाज़ साहब का आर्ग्यूमेंट इसमें ये है कि वो जमुना की तहजीब थी, रिवर जमुना की, जो वहाँ पर है हिंदुस्तान में। यहाँ पर जो था, जो इंडस वैली का जो असल जिस्ट थी, वो पाकिस्तान के अंडर फॉल करती है इस टाइम भी। तो आप अगर चाहते तो उस 5000 साल को ओन करते, आप आज पेशावर के अंदर हम बैठे हुए हैं, यहाँ बुद्धिस्ट तारीख कितनी पुरानी है आपको तो मेरे से ज़्यादा मालूम है। मैं सवाद जाता हूँ हर साल बाद, हर किलोमीटर के बाद एक स्टूपा मिलता है वहाँ पर, लेकिन लोगों को कहा जाता है आंखें बंद कर लो, दिस इज़ नॉट द सवात ऑफ 21st सेंचुरी, उसको ओन नहीं करना। और ये प्रेजुडिस जो हमें नज़र आती है ना, ये जो नफ़रत है, उसका ही खमियाजा हम भुगत रहे हैं आजकल, क्योंकि जो भी रियासतें नफ़रत की बुनियाद पर कायम रहती हैं वो ज़्यादा देर तक उनकी नफ्सियात साथ नहीं देती उनका। और अनफॉर्चुनेटली ये नफ़रत परवान चढ़ाने में बहुत सी गलतियाँ इससे पहले होती रही हैं, और सबसे बड़ा सलूशन ये होता है कि 90% मसला तब हल हो जाता है जब उस गलती को आप मान लें और कहें कि हाँ ये मैंने गलत किया। द फर्स्ट स्टेप, द मेजॉरिटी ऑफ द सलूशन इज़ टू एक्सेप्ट द मिस्टेक इन द फर्स्ट प्लेस, ना कि आंखें बंद कर लो उस पर और उसको डिनाई करो कि नहीं ये तो हमने किया ही नहीं था। तो वो दोस्तोयेवस्की कहता है कि मुआशरे अपने आप से झूठ बोलने की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। सो लाए इज़ द सीक्रेट, द रेसिपी ऑफ द इंटायर डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सोसाइटी। आयशा जलाल ने एक्चुअली कहा कि पाकिस्तान इज़ अ कंट्री दैट हैज़ रिप्लेस हिस्ट्री विद आइडियोलॉजी, तारीख को हटा के वहाँ आइडियोलॉजी फिक्स कर दी और कहा कि तारीख भूल जाइए, आइडियोलॉजी देखिए सिर्फ। तो एक इंसान जिसने इतना लंबा एक्सपीरियंस किया, वो स्टेट भी इंसान की तरह होती है, मुआशरे भी इंसानों की तरह होते हैं। तो अगर एक मुआशरे की 5000 साल की मेमोरी है और एकदम से उसके सर पे मारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि भूल जाओ उसको और आज से नया इंसान बन जाओ, तो वो हार्ड ब्रेन्ड हो चुका होता है, वो तब नया इंसान एकदम से नहीं बन सकता, ना वो फॉर्मेटिव ईयर्स में होता है अपने। तो अनफॉर्चुनेटली जो जिस तरह से हमें ये टॉप डाउन अप्रोच मिलती है आइडेंटिटी की, एक तो ये मसला है और दूसरा ये कि हम इंडस के सिटीज़न नहीं बन सके। हमने कहा कि अगर पार्टीशन हो गई है तो इसका मतलब ये है कि हर वो आइडियोलॉजी जो हमसे नहीं मिलती उससे नफ़रत की जाए, हालांकि ये इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है। स्टेट ऑफ मदीना का जो चार्टर था उसके अंदर जो मदीना के ज्यूज थे उनको पार्ट ऑफ द उम्मा लिखा हुआ है, उम्मत का हिस्सा, रिटन बाय प्रॉफिट हिमसेल्फ। ये 7th सेंचुरी की बात हो रही है और वो इतने एनलाइटेंड डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं। सुलह हदीबिया की स्पिरिट पढ़ लीजिए क्या थी, उन्होंने कहा कि आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाइए, इन्होंने कहा कि हाँ जी लिखें आप, बिकॉज इस वक्त बात स्टेट की हो रही है, मेरी बात नहीं हो रही। ये विजन था, एक ट्राइबल सोसाइटी जो डिसइंटीग्रेटेड और बर्बाद हुई हुई थी उसको एक ऐसी एम्पायर बनाया जो पर्शिया और रोम को खा गई, और आप अपनी आइडियोलॉजी को कंधे पर लेके फिरते हैं और पूरी दुनिया से भीख मांगते हैं। आर यू डूइंग अ सर्विस टू रिलीजन? नॉट एट ऑल, यू आर ब्रिंगिंग शेम टू इट, बिकॉज बाय बेगिंग फ्रॉम द वर्ल्ड यू आर एंडिंग अप इन अ डिफीटेड कैंप, हारे हुए कैंप में आप डिफीट होके आ रहे हैं। विजन 2030 मोहम्मद बिन सलमान का क्या है? ही हैज़ रियलाइज्ड दैट दिस कांट वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम सप्रेस नहीं कर सकते फ्री स्पीच को, हम माइनॉरिटीज़ को दीवार से नहीं लगा सकते, हम खत्ते में हर किसी से लड़ नहीं सकते, हमें ईरान से भी हाथ मिलाना है। और पिछले हफ्ते जो हम सब ने सीन देखा, बशार उल असद से हाथ मिला रहा है मोहम्मद बिन सलमान, जिन्होंने एक दूसरे की नस्लें आदि ख़त्म कर दी शाम के अंदर। दे हैव रियलाइज्ड कि इट्स इनफ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये प्रेजुडिस, ये वॉरफेयर, ये कल्चरल अटैक्स एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को अनडू करने की विश, अगर ये लेके चलोगे तो अपने लोगों पे ही जुल्म करोगे। अगर हाथ नहीं मिलाओगे नेबर से, हिंदुस्तान से, बाकियों से, और प्रेजुडिस रखोगे तो अपने लोगों पे जुल्म उठाओगे असल में। सो पाकिस्तान इज़ अ स्टेट विच हैज़ डेवलप्ड इनटू एन आउटवर्ड लुकिंग स्टेट एक्चुअली। ये अंदर नहीं देखती, ये बाहर देखने वाली रियासत है शुरू से। कहा जाता है कि अब आपके बैकयार्ड में जो जुल्म हो रहा है किसी माइनॉरिटी के साथ, किसी एथनीसिटी के साथ, उसको भूल जाओ, 5000 मील दूर फलस्तीन है उसकी बात करो। हालांकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और स्टेट की डेफिनेशन ये कहती है कि स्टेट वजूद में ही अपने अवाम के खुशनूदी के लिए आते हैं। इंटरनेशनल रेल में तो वैसे ही एनार्की होती है, पढ़ लीजिए हॉब्स को, लेवाइथन की उसकी किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ इन अ स्टेट ऑफ नेचर इज़ नास्टी ब्रूटेशन शॉर्ट। वो कहता है कि मॉरल ऑर्डर होता ही नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और वाकई नहीं होता। Morality does not come into play when we talk about international relations. सिर्फ पावर काम करती है वहाँ पर। अमरीका ने इराक को इन्वेट कर दिया, उसके बाद UN से पूछा कि हमने ठीक किया, उन्होंने कहा हाँ जी ठीक किया आपने, बिकॉज दे कांट स्टैंड अप टू अमेरिका। 1.5 अरब मुसलमान दुनिया का 0.7% पैसे देता है UN के बजट में, 0.7, और कहते हैं फैसले हमारे करें प्लीज़। एंड जापान अलोन कंट्रीब्यूट्स 20%, ओनली जापान।
तो किसकी बात सुनेंगे वो? अब इस पर आर्ग्यूमेंट ये होता है कि वो तो जस्टिस की बुनियाद पर बनी है, यूएन तो नहीं बनी जस्टिस की बुनियाद पर, ये वो लॉलीपॉप है जो आपको और हमें मिला है। पावर मेक्स इट्स ऑन वे बेसिकली, और वो सिर्फ ताकत चलती है इंटरनेशनल रंग के अंदर। इसराइल को देख लीजिए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी नहीं साइन किया उन्होंने, न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं वो बनाते जा रहे हैं, पैलस्तीन के साथ जो स्कर्मिशेस चलते हैं वो करते जा रहे हैं, कौन रोक सकता है उनको? लाखों की आबादी है सिर्फ, लेकिन कहाँ से मार खा रहे हैं, ताकत नहीं है, फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है, फंसे हुए हैं उस माजी के अंदर, लड़ रहे हैं एक दूसरे से, गले काट रहे हैं सिर्फ। और इसीलिए वो एक छोटी सी यूनियनाइज्ड किस्म की फॉरवर्ड लुकिंग माइनॉरिटी दुनिया की, दैट इज़ रिवर्सिंग एवरीथिंग। 48 में एक जंग लड़ी पूरे अरब ने, बहुत बुरी तरह मारा उन्होंने। 70s में जंग लड़ी योम किपुर वॉर, लीबिया की एयरफोर्स ही ख़त्म कर दी इसराइल ने सारी, सफाई अस्सी से मिटा दी। द इंटायर अरेबियन पेनिनसुला कांट डू एनीथिंग टू देम बिकॉज दे हैव पावर। और आपको और मुझे सिर्फ ये बेचा जाता है कि असल में हर चीज़ छोड़ दीजिए और सिर्फ बात कीजिए जस्टिस की और ये वो, लेकिन पावर कहाँ से एक्वायर होगी? तो वो नीचे कहता है कि आई वॉन्ट सपोर्ट एनी आइडिया विदाउट द पावर ऑफ एनफोर्सिंग इट। कोई भी ऐसा आइडिया जिसको इतलाक में लाने के लिए, जिसको रियलिटी में मटेरियलाइज करने की ताकत मौजूद नहीं है, उसको सपोर्ट करना बेकार है। तो अगर हम इसकी ये बुनियाद बनाते हैं कि असल में ये मजाहिब का आर्ग्यूमेंट नहीं है, उसमें तो इतनी एनलाइटनमेंट थी जिसको आपने दीवार से लगा दिया, किसको मालूम है यहाँ के मुताज़िलाइट्स कौन थे, जो कि इस्लामिक ट्रेडिशन ऑफ फ़िलासफ़ी थी रैशनल थियोलॉजी की, जिसमें मंतक और अपनी जहन से रिजल्ट निकालने की भी बात है, लेकिन उसको छोड़ दिया और कहा कि मंतक को भूल जाओ, रैशनल बात मत करो। तो इस रिग्रेसिव किस्म की मैंटेलिटी ने, जिसने आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट किया हुआ है, इसने हमें इतने बुरे हालात में पहुँचा दिया, इस नैच पर पहुँचा दिया है कि आज किसी के पास ना यहाँ खाने को रोटी है और आइडियोलॉजी भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही किसी का भी नहीं। आर्टिकल 370 किया हिंदुस्तान ने, अभी इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया कश्मीर को, नोबडी कुड डू एनीथिंग, दे आर द फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी एट दिस पॉइंट, फोर्थ लार्जेस्ट। और आप जाकर अगर उन्हें कह भी दें कि ओए बुचर ऑफ गुजरात, उनको क्या होता है उससे? वुड दैट मेक अ डिफरेंस? नॉट एट ऑल। सो इफ यू वॉन्टेड एनी गुड ऑफ द नेशन, यू विल एक्वायर पावर, एंड पावर इज एक्वायर्ड बाई टॉकिंग टू पीपल, नॉट बाई कॉटिंग दैम। तो इसीलिए एक रियलिस्ट माइंडसेट की तरफ जाना पड़ेगा। रियलिज्म इज एंटायरली मिसिंग इन द पाकिस्तानी डिस्कोर्स, चाहे वो मुल्क के अंदर हो रहा हो या बाहर हो रहा हो, हर चीज़ एक हाइपर आइडियोलॉजी के दिमाग से देखी जाती है। वो जिसको मोहम्मद बिन सलमान ने भी रिवर्स कर दिया है, और वो जाके दुनिया भर से बात कर रहे हैं, और उसका कोट अन कोट बयान है कि आने वाला अरब का जो यूरोपी तरक्की का मॉडल था वो यहाँ पर देखेंगे आप। तो हमने तो सऊदी सलाफिज़म इम्पोर्ट ही वहाँ से किया था ना, अगर वो बदल गए तो हम क्यों उसी नहर वाले पुल पे खड़े हैं अभी तक, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसीलिए हर 10 साल बाद नई आइडेंटिटी ढूंढने से बेहतर है कि अपनी शनाख्त को दोबारा से जो है वो उसको डिफ़ाइन करें, और लोगों को झूठ बोलना बंद करें उनसे। जब तक झूठ बोलते रहेंगे उनसे, वो कभी भी किसी बीमारी का हल नहीं निकाल सकते। एक कैंसर पेशेंट है, उसको बताई जाओ तुम्हें कैंसर नहीं है, उससे कैंसर ठीक नहीं होता। सो स्टॉप लाइंग टू योर पीपल, लुक फॉरवर्ड, बी रैशनल एंड बी रियलिस्ट, एंड लेट पीपल बी वट दे वॉन्ट टू बी। थैंक यू।